नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एम्स रोड 11वीं गली में स्थित श्री शिमाली ब्राह्मण समाज के आरोग्य भवन में श्री महालक्ष्मी माता जी एवं भगवान राधा कृष्ण का द्वितीय पाठोत्सव 2081 वैशाख सुधी द्वादशी तदनुसार सोमवार दिनांक 20 मई को धूमधाम से मनाया गया। श्री शिमाली ब्राह्मण समाज शिक्षा एवं चिकित्सा संस्था पुष्कर के ओम प्रकाश व्यास ने बताया कि आरोग्य भवन के पाठोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 7:30 बजे गणेश पूजन, मातृका पूजन, पीठ पूजन, प्रातः 8:15 बजे अग्नि स्थापना एवं हवन, प्रातः 9:15 बजे कुलदेवी महाभिषेक, प्रातः 10:30 बजे यज्ञ, पूर्णाहुति एवं महाआरती हुई। वहीं 12:15 बजे प्रसादी हुई। पंडित अश्विनी ओझा एवं संजीव दवे के आचार्यत्व में यजमान श्रीमती राजकुमारी योगेश दवे, श्रीमती रेणु राजेंद्र दवे एक्स जीटीओ ने यज्ञ में आहुतियां दी। इस शुभ अवसर पर श्री शिमाली ब्राह्मण समाज शिक्षा एवं चिकित्सा संस्था पुष्कर के चिरंजीलाल दवे, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय शिमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर, महेंद्र बोहरा अध्यक्ष श्री शिमाली ब्राह्मण समाज महानगर जोधपुर, सत्यनारायण बोहरा, सत्तू भाई, मुकेश दवे, रवि शिमाली, पंडित राजेश शिमाली, द्वारका प्रसाद दवे, किशोर व्यास, महेश जोशी, अर्जुन जोशी, विनोद व्यास, महेश ओझा, नरेंद्र लाल त्रिवेदी, प्रकाश शर्मा, कैलाश त्रिवेदी, रमेश घोष, पंडित घनश्याम द्विवेदी, सिद्धार्थ व्यास, विनोद दवे, श्री रवि शिमाली, किशोर दवे, अरुण बोहरा, अशोक दवे, शरद ठाकुर, संतोष व्यास, संजय दवे, संतोष दवे, कांतिलाल ओझा, विक्रांत दवे, गिरीश दवे के साथ संस्था के ट्रस्टी व सैकड़ों गणमान्य बंधु एवं श्रीमती राजकुमारी दवे, श्रीमती रेणु दवे, श्रीमती लीला देवी बोहरा, श्रीमती प्रसन्न ओझा के साथ मातृशक्ति उपस्थित हुई। पाठोत्सव के शुभ अवसर पर श्री शिमाली ब्राह्मण समाज शिक्षा एवं चिकित्सा संस्था पुष्कर द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर वाहवाही लूटी। वहीं आयोजित बैठक में चिरंजी लाल दवे ने अपने उद्बोधन में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा भवन के लिए बात रखी। श्री महालक्ष्मी माँ की कृपा से बैठक में उपस्थित ज्यादातर ट्रस्टियों ने शिक्षा भवन के लिए भूमि खरीदने के लिए 15 मिनट में ही लगभग 21 लाख रुपए सहयोग राशि की घोषणा की। पाठोत्सव की पूर्व रात्रि 8 बजे से मातृशक्ति द्वारा राति योगा का भव्य आयोजन किया गया जो देर रात्रि तक चला। इस भवन के बारे में आए व्यय से लेके रख रखाव से लेके और आज दिन तक जो खर्चा हुआ उनके बारे में हम सब लोगों को अवगत कराया। सही मायने में तो ये जो आप सामने विराजमान है ट्रस्टी लोग, इनकी मेहरबानी चाहिए। आज अपन सब लोग ये जो निमित्त कोई भी बनता है जो सहयोग है वो सब आप लोगों के कारण ही आज अपने लोगों का समाज में इतना इस भवन के ये जो भी अपने को अच्छे संदेश प्राप्त हो रहे हैं उसका कारण सभी आप हो गए। और राजेंद्र जी ने भी आपको बातें बताई, परंतु एक बात सतु भाई ने कहा कि मैं भी बताऊँ कुछ, और ये तो अपना अच्छा ही है सब अपना ये आरोग्य भवन अपना अच्छा और चल रहा है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, आपको जान में बहुत बड़ा हर्ष होगा तो जो सही मायने में अपने यहाँ लोग आ रहे हैं शिवाली समाज के अलावा अपन 36 जोन में जो भी अच्छी जातियाँ हैं सभी जातियों को अपन समावेश यहाँ पे जो भी स्थान देते हैं, परंतु उसमें से यहाँ से ठहरने के बाद जो लोग भी जाता है उनके अधिकांश लोगों के वापस अपने पास फोन आते हैं। राजेंद्र जी के पास आओगा, जिला जी के, सत्य भाई के, ओम जी के, राजकुमारी जी के, जो भी जिसी के पास गए, ये एक बहुत बड़ी अपनी इस भवन ने आप ट्रस्टी और सब जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं इन सब की बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें मालूम पड़ती है कि आज जो भी यहाँ से जाएगा वो बड़ा मन से आशीर्वाद देता है आप लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जो भी जाता है यहाँ जो भी आदमी आएगा तो वो यहाँ पे उनके परिवार में कोई जांच करवाना आएगा या बीमार है उसके लिए आता है, परंतु जब भी वो वापस घर पहुँचता है तो वो फोन करता है कि भाई साहब बहुत जोरदार फोन बढ़ा है और मजा आया और हटा है तो मैं कहते हटे भटका मारता हूँ। ये सब आप लोगों की देन है और